वेलकम प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्कशीट नंबर 15 क्लास 8 के लिए इंग्लिश मीडियम में। बच्चों वीडियो अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो टॉपिक क्या है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंपनी आर्मी नया एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप होना है, यानी कंपनी रूल, ब्रिटिश रूल। हाँ ये देखना, ये थोड़ा पेन गिर गया था, एक मिनट बेटा। सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंपनी आर्मी, ठीक। वॉरेन हेस्टिंग, आपको मैं बताती हूँ कौन है, ये गवर्नर जनरल थे, ठीक है, इंडिया में गवर्नर जनरल थे। 1773 से लेकर 85 तक इनका रूलिंग रहा था, ये गवर्नर जनरल रहे थे। वॉज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फिगर हु प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ कंपनी, कंपनी को बढ़ाने में इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। वॉरेन हेस्टिंग का नाम आप याद रखिए, और बहुत ही पावरफुल इन्होंने कंपनी को बनाया अपने टाइम पे। कंपनी हैज एक्वायर्ड पावर, इन कंपनी को ना केवल बंगाल का पावर मिला बट ऑल्सो मुंबई एंड चेन्नई, ये तीनों पावर वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे ही मिले थे, यानी इनका इनके ऊपर इनका शासन रूलिंग हो गया था। बंगाल, मुंबई जिसको बॉम्बे बोलते थे, एंड मद्रास जिसको अब चेन्नई बोलते हैं। ब्रिटिश टेरिटरी वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, ब्रिटिश के जो एरिया थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड हो गए, जिनको प्रेजिडेंसी बोलते थे। तो प्रेजिडेंसी का मतलब क्या होता है, द टेरिटरी ऑफ ब्रिटिश विच आर डिवाइडेड इंटू एडमिनिस्ट्रेटिव आर कॉल्ड प्रेजिडेंसीज। और तीन प्रेजिडेंसीज थी, बंगाल, मद्रास यानी चेन्नई जिसे आप बोलते हैं, बॉम्बे जिसको आज मुंबई बोलते हैं। तो तीन प्रेजिडेंसीज ब्रिटिश की बनी थी। ईच वॉज रूल्ड बाय गवर्नर, हर किसी में एक गवर्नर था। वॉरेन हेस्टिंग वॉज फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, तो पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग से पहले बने थे, ठीक है, और उन्होंने काफी सुधार किए एडमिनिस्ट्रेशन में, ब्रिटिश के जो कार्यप्रणाली थी, जो भी काम करते थे शासन के तरीकों में, नोटेबली इन स्फीयर ऑफ जस्टिस, काफी कुछ उन्होंने किया। 1772 से अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वाज एस्टेब्लिश, 1772 में एक नया जस्टिस का सिस्टम आया, न्याय प्रणाली आई थी। ईच डिस्ट्रिक्ट वाज टू हैव टू कोर्ट्स, अ क्रिमिनल कोर्ट एंड सिविल कोर्ट, ठीक है, दो तरह के कोर्ट बनाए गए, क्रिमिनल कोर्ट यानी फौजदारी अदालत जिसको बोलते हैं, और सिविल कोर्ट जिसे दीवानी अदालत बोलते हैं, ठीक है। तो मौलवीज एंड हिंदू पंडित इंटरप्रेट इंडियन लॉज फॉर यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु प्रिसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट, उनको सिविल कोर्ट में लेके जाते थे हिंदूज एंड मौलवीज को। द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर काजी एंड मुफ्ती बट अंडर सुपरविजन ऑफ कलेक्टर, कलेक्टर के अंडर में थे, अभी भी काजी मुफ्ती के पास थे लेकिन निगरानी में थे, कलेक्टर के निगरानी में इनको क्रिमिनल कोर्ट को दे दिया गया था। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा कि दो तरह के कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दो तरह का बनाया गया, फौजदारी एंड दीवानी। टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन 1775, देखिए 75 में एक रूपता लाने के लिए 11 पंडित वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्टिव हिंदू लॉ, 11 पंडित को बिठाया गया किस लिए, कि जो हिंदू के नियम है, कानून है, उसको कंपाइल करने के लिए, एक बनाने के लिए। एंड एन बी हालहर्ट ट्रांसलेटेड दैट दिस डाइजेस्टेड इनटू इंग्लिश, इन्होंने जो है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। और 1778 में अ कोड ऑफ मुस्लिम लॉ भी कंपाइल हुआ फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जज, जो यूरोप के जज के लिए हिंदू और मुस्लिम के जो भी लॉज थे सबको कंपाइल करके उनके लिए आसान बनाया गया, यूरोप के जज को यानी ब्रिटिश जज को। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 73 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, अ न्यू सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश, एक नए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, वाइल अ कोर्ट ऑफ अपील, ठीक है, द सरदार निजामत अदालत वाज आल्सो सेट अप एट कलकत्ता, कलकत्ता में देखिये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई और कलकत्ता में निजामत अदालत की स्थापना हो गई। इस तरह से काफी सुधार वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे होने लगे थे। द प्रिंसिपल फिगर ऑफ इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर, मेन फिगर कौन था
इंडियन डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर था मेन। एज टाइटल सजेस्ट हिज मेन जॉब वाज टू कलेक्ट। देखिए कलेक्टर का मतलब क्या होता है, कलेक्ट करना, और वो क्या कलेक्ट करता था, रेवेन्यू और टैक्सेस को, ठीक है, और मेंटेन करता था लॉ को एंड ऑर्डर को, जो भी उसके डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखता था, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जजेस, जजेस की मदद से, पुलिस ऑफिसर्स की मदद से, दरोगाज की मदद से। हिज ऑफिस कलेक्टोरल बिकम न्यू सेंटर ऑफ पावर। अब जो उसका ऑफिस था कलेक्टर का, वो सेंटर ऑफ पावर बन गया। पेट्रोनेज को स्टेडली रिप्लेस प्रीवियस होल्डर, जो भी पहले होल्डर थे, अथॉरिटी थे, उनकी जगह कलेक्टर ने जगह ले ली थी। द कंपनी आर्मी की बात करते हैं। कंपनी आर्मी, ब्रिटिश यूज टू कॉल देयर आर्मी एज सिपाही, सिपाही, ठीक है, ब्रिटिश जो है अपने आर्मी को सिपाही, सिपाही बोलते थे, जिसको हिंदी में बोलते सिपाही आर्मी। वेर एज मुगल आर्मी वॉज मेनली कम्पोज ऑफ कैवलरी, उसमें घुड़सवार थे मुगल आर्मी में, और इन्फेंट्री यानी पैदल के लोग तो मुगल आर्मी में थे, जबकि ब्रिटिश वाले अपनी आर्मी को सिपाही कहते थे। और ये मुगल वाले, दोनों के अंतर समझ में आ रहा है ना। हु वर गिवन ट्रेन इन आर्करी एंड यूज्ड इन स्वॉर्ड, उनको तलवार चलाना, ठीक है, धनुष चलाना वो होता है, तीर बाण चलाना, ये सब चलाना सिखाया जाता था, जबकि ब्रिटिश आर्मी में क्या सिखाया जाता था, हैवी गन दिए जाते थे, मैच लॉक्स गन पाउडर दिए जाते थे, यानी गोले बारूद दिए जाते थे। तो दोनों में कितना बड़ा अंतर है, एक बंदूक से निशाना और एक तलवार चलाना, तीर चलाना। तो दोनों की आर्मी में हम चलिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखते हैं कि ये मेनली कैवलरी आर्मी थी। कैवलरी यानी कि हमने पढ़ा ना घुड़सवार, और इन्फेंट्री, इन्फेंट्री मतलब पैदल वाले, और ये मोस्टली इन्फेंट्री थे, पैदल वाले थे, लेकिन ये गनमैन थे। कैवलरी डोमिनेटेड बाय इन्फेंट्री, नॉट लार्ज इन नंबर, ठीक है, जो घुड़सवार थे वो बहुत ज्यादा नहीं थे, पैदल सवार इनमें ज्यादा होते थे, इनमें कैवलरी कम थे। क्या डोमिनेटेड बाय इन्फेंट्री, डोमिनेटिंग, डोमिनेटिंग तो थे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं थे, कहने का ये मतलब है। घुड़सवार जो घोड़े पे सवार होते थे उनका वर्चस्व तो था, वो पावरफुल तो थे, लेकिन इन्फेंट्री नॉट लार्ज इन नंबर, बट इन्फेंट्री नॉट लार्ज इन नंबर, जो पैदल वाले थे वो ठीक थे, उनसे कम पावरफुल थे, सीधे से कहने का यह मतलब है। इसमें इनको ज्यादा माना जाता था, और लेस नंबर ऑफ कैवलरी मोर इन्फेंट्री, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे घोड़े वाले कम थे, इन्फेंट्री पैदल वाले ज्यादा थे, बंदूक से निशाना चलाना होता ना, तो घोड़े के साथ साथ कैसे करते, ट्रेन इन सोल्जर्स, देखिए इनको तीर बाण चलाना, तलवार चलाना सिखाया जाता था, इनमें सिपाहियों को क्या सिखाते थे, आर्म विद गन्स, गन्स के हाथ सिखाया जाता था, हथियार दिए जाते थे। ये नॉट लार्ज प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनली ट्रेन नहीं थे, तो जबकि ये प्रोफेशनली ट्रेन किए जाते थे, स्टाइल ट्रेनिंग इनको दी जाती, ड्रिल, डिसिप्लिन, प्रोफेशनल सब कुछ होता था। तो कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग वर इग्नोर्ड इन बिल्डिंग अ फोर्स, जो प्रोफेशनल सोल्जर थे ना उसमें कास्ट और कम्युनिटी फीलिंग को तो इग्नोर कर दिया गया ब्रिटिश की तरफ से, यानी जो कंपनी आर्मी थी। बट सोल्जर वर आल्सो अ मेंबर ऑफ कम्युनिटी, सोल्जर खुद सिपाहियों की खुद की अपनी कम्युनिटी थी, जो एक एक कम्युनिटी में अपने रहते थे। हाउ डिड सिपाही रिएक्ट टू चेंज, जैसे उनकी लाइफ में चेंज आ रहा था उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, और देयर आइडेंटिटी इज क्लियरली रिफ्लेक्टेड। रिवोल्ट 1857 जो हुआ था, विद्रोह हुआ था बेटा, बहुत बड़े लेवल पे हुआ था, इसमें पता चलता है सबसे पहले सिपाहियों का ही विद्रोह हुआ था जो ब्रिटिश के अगेंस्ट गए थे। तो समरी यही है, समरी ऑफ द चैप्टर क्या है, ट्रेड से लेकर टेरिटरी, वी कैन से दैट ईस्ट इंडिया कंपनी वर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ट्रेडिंग कंपनी, वो देखिए ट्रेडिंग कंपनी व्यापार करने आई थी, और धीरे धीरे कॉलोनी उसने बना ली, और उसके अलावा उसकी पावर इतनी हो गई, अराइवल ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आ गई 19th सेंचुरी में, ठीक है ना, और इससे क्या हुआ, उनको और ज्यादा 3 weeks टू ट्रेवल, अब उनको ट्रेवल करने में सी रूट पे बहुत कम टाइम लगता था, पहले ज्यादा टाइम लगता था, अब 3 week में ही इंडिया में पहुंच जाते थे वो। दिस इनेबल मोर ब्रिटिशर्स, इसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिशर्स जो है उनकी फैमिली यहाँ आने लगे इंडिया में। और 57 में कंपनी केम एग्जिस्टेंस डायरेक्ट रूल, 57 में जो है जब ये रिवोल्ट हुआ था तो इंडिया में जो रिवोल्ट दबा दिया गया, और कंपनी का सीधा रूल हो गया था यहाँ पे इंडिया के 63% टेरिटरी पर, 78% पॉपुलेशन पे इंडिया की, और पूरे इंडिया पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस तरह से क्या बन गई थी, ब्रिटिश, ब्रिटिश के अंडर में सीधे हम इंडियंस आ गए थे। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है,
व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी का मीनिंग क्या है? तो देखिए प्रेसिडेंसी के मीनिंग हमारे सामने आए थे, पहले हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, इस तरह से हमने इसको इरेज कर दिया। मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंसी निकालना है और विच वर थ्री प्रेसिडेंसीज। चलिए क्वेश्चन नंबर वन, ब्रिटिश टेरिटरी वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री एडमिनिस्ट्रेशन, तीन एडमिनिस्ट्रेशन में डिवाइड कर दिया गया था जिनको प्रेसिडेंसी कहते थे। तीन प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास एंड मुंबई। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बेटा ये है, ब्लू कलर से मैं अंडरलाइन कर रही हूं, क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है बच्चे, समझ में आया? हाँ, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्या है? Who was Warren Hastings? Warren Hastings कौन था और what was his role in expansion of company power? Company power को बढ़ाने में उसका क्या रोल था? तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। Warren Hastings हमने पढ़ा था, Warren Hastings गवर्नर जनरल था, पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था कंपनी को बढ़ाने में Warren Hastings का। तो क्वेश्चन नंबर टू का आंसर बेटा यहां से लिखेंगे आप, गवर्नर जनरल था 1773 से लेकर 85 तक, और उसने प्रेसिडेंसी को बंगाल, बंबई और मद्रास तक बढ़ा दिया था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच मेजर रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस बाय वॉरेन हेस्टिंग्स इन स्फीयर ऑफ जस्टिस, कौन कौन से सुधार आए थे वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे? तो हमने ये पढ़ा था, देखो ये आया था, यहां से आप लिखेंगे फ्रॉम 1772 से एक नया सिस्टम आया था जस्टिस का, ईच डिस्ट्रिक्ट वाज हैव कोर्ट थे, ठीक है, तो सिविल कोर्ट और ये कोर्ट बने थे मौलवीज के, हिंदू पंडित के, जो यूरोपियन लॉज को बनाया गया था। इसके अलावा आप इसको यहां तक कर लीजिएगा बेटा, यहां तक। क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर है ये, ठीक है, यहां तक है। इसके अलावा आप ये जरूर बता दीजिएगा कि ये जो सरदार निजामत बना था ना, और एक सुप्रीम कोर्ट बना था, न्यू सुप्रीम कोर्ट, ये और जोड़ लीजिएगा क्वेश्चन नंबर थ्री में। थोड़ा सा बड़ा है बट जरूरी है, ये देखिए यहां से एसएसटी है ना बेटा, तो एसएसटी में थोड़ा सा तो बड़ा होगा ही, ये पूरा आ गया यहां तक, और उसके बाद ये वाली लाइन येलो कलर दिख रही है आपको, ये वाला जो है आपको कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन फोर, व्हाट वाज द जॉब ऑफ कलेक्टर, कलेक्टर का जॉब क्या था? तो हमने अभी अभी तो पढ़ा इसको, कलेक्टर के नाम से पता चल रहा है कलेक्टर का जॉब क्या था, कि कलेक्ट करना, ठीक है। मेन जॉब ऑफ वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू टैक्स, ठीक है, और ये यहां तक आप बस कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर है ये। हम ये येलो कलर से हाईलाइट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर फोर को, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर फाइव, राइट एनी टू डिफरेंस ये मुगल आर्मी और कंपनी आर्मी के बीच में। तो बेटा इतने सारे डिफरेंस है, फोर डिफरेंस है, आप कोई भी दो डिफरेंस लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर फाइव में, क्वेश्चन नंबर फाइव में कोई भी दो डिफरेंस, ठीक है, यहां तक में कोई भी दो डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर सिक्स, थिंक एंड राइट व्हाई इंडियन पीपल वर वर्किंग एज सपोर्ट बॉय फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी, सपोर्ट बॉय के रूप में कैसे काम कर रहे थे, आप अपने विचारधारा बताएंगे कैसे काम कर रहे थे। हम बताएंगे कि जो सपोर्ट बॉय, देखिए इंडिया वहां के आर्मी में थी, है कि नहीं, जो इंडिया की आर्मी थी वो कंपनी में दो तरीके से काम कर रही थी, एक तो पैसा कमाने के लिए और दूसरा कंपनी जो है जबरदस्ती जो है उन लोगों को
उनसे काम लेती थी। तो आंसर आप इसको बनाना होगा आपको आंसर छह का, तो बताएंगे द इंडियन पीपल वर वर्किंग एज ए सपोर्ट बॉय फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर टू रीजंस। पहला आप लिखेंगे इसमें, पहला क्या था बताइए, टू अर्न मनी, सीधी सी बात है पैसा कमाना था उन्हें, ठीक है। और दूसरा ये था ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश फोर्सफुली जबरदस्ती एडमिटेड them है ना, and them to make सिपाही या सिपाय, आप forcefully काम कराते थे, ठीक है ना, सीधी सी बात है। आप ये बताएंगे सपोर्ट के रूप में किस तरह से काम करते थे, एक आप भी कमेंट में बता दीजिएगा एक पॉइंट इसमें, दो हमने बताए हैं किस तरह से उनसे काम लेते थे। तो इस तरह से हमारी वर्कशीट पूरी होती है। टेक केयर, बाय बाय बच्चों, सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।